दान तो वास्तव में अपन याद करते हैं, चाहे भामाशाह को याद करें दान में और चाहे वर्णी जी जैसे लोग इनको याद करें, सबके उदाहरण हमारे सामने हैं। वर्णी जी के जीवन में किस तरह उन्होंने दान दिया था, आपको वो घटना सुनाऊं, फिर अपन दान के बारे में और जो शेष चर्चा है वो करेंगे। चिरौंजा बाई उनकी धर्म की मां थी, क्योंकि वो तो असाटी थे जन्म से और घर का परित्याग करके और अहिंसा धर्म को स्वीकार किया था, तो चिरौंजा बाई को अपनी धर्म की मां माना था और उन्हीं के घर में रहते थे। फिर जाकर के अध्ययन के लिए संस्कृत विद्यालय में रहे। उनकी अपनी जीवन गाथा आप पढ़े तो पता लगेगा। घर में जब बाई जी मंदिर गई तो कह गई कि भैया गणेश प्रसाद, कोई लकड़ी बेचने वाली आवे तो चार आने पैसे की लकड़ी तुम डरवा लेना, हम मंदिर से आते हैं फिर भोजन बनाएंगे। ठीक है, अब लकड़ी बेचने वाली निकली तो वर्णी जी ने बुला करके, और चार आने पैसे की लकड़ी मिलती थी एक गट्ठा सुडल वाली, अब लेकिन जब चार आने पैसे देने लगे तो मन में विचार आया कि देखो चार आने में क्या होगा, अब इतनी फटी सी तो इसकी धोती है, वो खाने को भी कुछ होएगा कि नहीं होएगा। सुचारा ने पैसे के साथ में और बाई जी की एक धोती टंगी थी सो वो भी दे दी, और वहीं पास में और थोड़े गेहूं रखे थे सेर आधा सेर, सो वो गेहूं भी दे दी कि जे भी ले जा। अब जब बाई जी जो लौट के आई तो उनने कहा भैया हमारी सोला की धोती खा गए, समझ गई वो, और उसी सोला की धोती के पास में वो धुले हुए गेहूं रख गई थी कि आएंगे सो थोड़ा पीस करके तुरंत आता, समझ गई कि बहुत दयालु है और इसने दे दिया होगा, कुछ नहीं कहा। देखो मैं ये उदाहरण इसलिए आपसे कह रहा हूं कि देने वाला किस तरह दे रहा है और समर्थन करने वाले का कितना शांत परिणाम है, संतोष धारण कर लिया कि चलो कोई बात नहीं। त्यागी व्रति के लिए भी इससे संदेश लेना चाहिए और सामान्य व्यक्ति के लिए भी संदेश लेना चाहिए कि अपन के भावों में अब कितनी कमी आ गई और अपन देते भी हैं तो किस तरह देते हैं। वास्तव में तो देना तब सार्थक है जब हमारे परिणाम दे करके निर्मल हो जाए, देते वक्त भी हमारे परिणामों में निर्मलता बनी रहे, ऐसा ही दान वास्तव में सार्थक है, ऐसी ही सेवा वास्तव में सार्थक है। हम ऐसे दान और सेवा के द्वारा चाहे तो अपने और दूसरे के जीवन को सच्चे रास्ते पर लगा सकते हैं और अपना जीवन सार्थक कर सकते हैं। इसी भावना के साथ बोले आचार्य विवर विद्यासागर मुनि महाराज।